क्यों लोग स्टॉक्स खुद पिक नहीं करते? क्यों हम हमेशा किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि कौन सा शेयर लें? क्यों हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम भी रिसर्च करके अच्छी कंपनी पिक कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उस शेयर को लेना चाहिए या नहीं। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं कुछ ही मिनटों में आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं वो तीन मेन कारण जिसके कारण कोई भी आम निवेशक ये हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो खुद रिसर्च करके स्टॉक पिक करे। पहला, ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि शेयर्स को पिक करना, स्टॉक सिलेक्शन, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड, इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि रिसर्च करना बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर सही टूल्स हो और पता हो कि कहाँ कैसे रिसर्च करना है तो रिसर्च बहुत जल्दी भी हो सकती है। और तीसरा, लोग सोचते हैं ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल इन्वॉल्वमेंट लगता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही फन, बहुत मज़ा आने वाला प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं कैसे कुछ ही मिनटों में किसी भी कंपनी को एनालाइज किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया बताऊंगा, कुछ चार पांच ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको किसी भी कंपनी में चेक करने हैं और आप ये समझ पाएंगे कि ये कंपनी आगे रिसर्च करने लायक है कि नहीं, इस कंपनी में आपको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली मैं आपको तीन चार ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके जरिए आप बहुत जल्दी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनियां बिल्कुल ही निवेश के लायक नहीं है और कौन सी कंपनियां निवेश के लायक हो सकती हैं। तो क्या है वो फिल्टर? आपको तीन चार चीजें देखनी है। पहली चीज, ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। अगर कंपनी का प्रॉफिट कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, या फिर कम होता जा रहा है, या फिर स्टेबल है, तो ये कंपनी से मैं तो दूर रहना पसंद करता हूं। मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तभी शेयर बढ़ेगा। तो आपको देखना है कि जो भी शेयर में आप निवेश कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही हो। सेकेंड चीज जो आपको देखनी है वो ये कि उस कंपनी में डेट ना के बराबर हो। डेट यानी कर्जा, ये आपको किसी भी कंपनी के बारे में मिल जाएगा। अगर आप screener.in पे जाके उस कंपनी के बारे में लिखेंगे तो स्क्रॉल करने पे आपको डेट दिखेगा, ये जीरो या लगभग जीरो होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम कर्जा, आपको पता है कि कल को कोई मुसीबत आए तो कंपनी के लेनदार ज्यादा नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस में टिकी रहेगी। तो जितना कम डेट उतनी सेफ वो कंपनी होती है। तीसरा है हाई आरओई। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। जब आप कोई शेयर में निवेश करते हैं तो आप उसके इक्विटी होल्डर्स बन जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये कंपनी इक्विटी पे यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना परसेंट रिटर्न ला के देती है। तो अगर जैसे आपको लगता है कि शेयर में पैसा लगा के आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलना चाहिए, तो आप ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 20% से ज़्यादा है, ताकि आपको उतना या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद फ्यूचर में रहे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा सीधा वो आंकड़ा है जो बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पे कंपनी कितना पैसा बना के देती है। आरओई मतलब ये नहीं कि आपको कितना रिटर्न आपके हाथ में मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया है उस पैसे पे कितना रिटर्न आता है। आपके शेयर पे उतना रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। अगर कंपनी 20% का आरओई ला रही है तो हर बार जरूरी नहीं है कि 20% शेयर भी बढ़ जाए, लेकिन आपको कम से कम ये देखना है कि कंपनी उस पैसे पे पैसा बना तो रही है कि नहीं, रिटर्न आएगा कि नहीं वो तो मार्केट बताएगा, वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन अच्छा आरओई हो ये देखना आपके हाथ में है। इसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट एथिकल नहीं है, अगर मैनेजमेंट पे कोर्ट केस चल रहे हैं, पुलिस के केस चल रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो मैनेजर है कंपनी का, सीईओ सीएफओ है, वो कंपनी का धंधा संभालेगा या पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामलों से सुलटाएगा? तो अगर बहुत ज़्यादा कोर्ट केस के प्रॉब्लम है, पुलिस के प्रॉब्लम है, तो आपको कंपनी पे डाउट भी करना चाहिए कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 80% 90% तक गिर गई सिर्फ इसलिए कि उनके साथ कोर्ट कचहरी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार गूगल ज़रूर ये कर लीजिएगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको कोई टाइटन, जैसे अगर आपको टाइटन में निवेश करना है तो आप लिख लीजिए टाइटन फ्रॉड, टाइटन स्कैम या टाइटन कोर्ट केस। तो जब आप ये गूगल करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि वो कंपनी पे और उसके ओनर्स पे क्या क्या केस है। तो एक जनरल आपको गूगल रीड करके पता चल जाएगा कि इस कंपनी में प्रमोटर्स ईमानदार हैं कि नहीं, मैनेजमेंट एथिकल है कि नहीं। इसके बाद बारी आती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, यानी कि अगर कोई कंपनी है कपड़ा बनाने वाली तो कई सैकड़ों कंपनियां कपड़ा बनाती हैं, जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें खास क्या है?
अगर टायर बनाने वाली कंपनियां हैं तो कई कंपनियां टायर बनाती हैं, आपकी कंपनी में खास क्या है? अगर वो बैंक है तो हिंदुस्तान में 50 बैंक है, आप जो बैंक एनालाइज कर रहे हैं उसमें खास क्या है? अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी कंपनी में क्या खास है, जो बैंक आप चुन रहे हैं, जो टायर बनाने वाली कंपनी, जो कपड़ा बनाने वाली आप कंपनी चुन रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ खासियत दिखाई नहीं दे रही है तो ये मान के चलिए कि लंबे समय तक ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं करने वाली है। अगर उस कंपनी में कुछ स्पेशल नहीं है तो लोग क्यों उस कंपनी का सामान खरीदेंगे, लोग क्यों उस कंपनी की सर्विस लेंगे जबकि मार्केट में इतना सारा कॉम्पिटिशन है? चलेगा वही जो कुछ स्पेशल दे रहा हो, जो कुछ अलग दे रहा हो, तो ऐसी कंपनियों को ढूंढें। अब एग्जांपल्स के लिए समझते हैं कुछ इंडियन कंपनियां जो बाकियों से कुछ अलग हैं और जिस कारण वो पैसा कमा पाती हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया महिंद्रा हॉलीडेज का। ये बाकी होटल कंपनी से कैसे अलग है? क्योंकि ये 25 साल की मेंबरशिप बेचती हैं। तो अगर आपने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ले ली, जो कि महिंद्रा हॉलीडेज का ब्रांड है, तो आप 25 साल तक हर साल एक हफ्ते के लिए उनके रिजॉर्ट में जा सकते हैं और वो 25 साल का पेमेंट आपको शुरू में देना होता है। तो ये सोचिए, अगर उन्होंने आज आपसे पेमेंट ले ली तो अगले 25 साल तक वो दुनिया के किसी कोने में भी अपना रिजॉर्ट खोलें, तो क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो आप उसे वसूलने जाएंगे जरूर। तो ऐसे में जहां बाकी होटल कंपनीज को लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइम लोकेशन में खोलो, एयरपोर्ट के पास खोलो, महिंद्रा हॉलीडेज को ये टेंशन ही नहीं, कहीं कोने में भी खोलो, यूजर ने पैसे दे दिए वो वसूलने के लिए कोने में भी जाएगा। तो ऐसे में उनकी लैंड कॉस्ट कम हो जाती है। ये है महिंद्रा हॉलीडेज का डिफरेंस बाकी होटल कंपनी से, ये उस कंपनी को डिफरेंट बनाता है। तो ऐसे ही जो कंपनी आप चुन रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट है, ये खुद से जरूर पूछिएगा। तो कैसे पिक करें ऐसी कंपनियां, कैसे ढूंढें ऐसी कंपनियां जो कुछ अलग कर रही हैं, जो कुछ अच्छा कर रही हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो अब आपने कंपनी तो अच्छी ढूंढ ली, ऐसी ढूंढ ली जिसमें डेट कम है, आरओई ज्यादा है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी है, कुछ अलग भी कर रही है, लेकिन क्या वो कंपनी सस्ते में मिल रही है या महंगे में? कहीं आपको सोना हीरे के भाव तो नहीं मिल रहा? तो ये कैसे जानेंगे कि कौन सी कंपनी सस्ते भाव पे मिल रही है, कौन सी कंपनी महंगे? कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, सही दाम में लेना जरूरी है। तो किसी शेयर को वैल्यू कैसे करें, किसी कंपनी का सही दाम कैसे समझें, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां हमने डिस्कस किया है शेयर को वैल्यू करने का एक तरीका, किसी भी शेयर का सही दाम निकालने का एक तरीका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी चुनी है आपने इस वीडियो में दिए गए मापदंडों के हिसाब से, कौन सी कंपनी आपको पसंद आई है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, ताकि अगला वीडियो मैं उस कंपनी के बारे में बता सकूं, उस कंपनी के बारे में आपको बता सकूं कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, जो कंपनी आपने सिलेक्ट की है वो ये ठीक है या नहीं। तो जिस कंपनी के बारे में आप करेंगे सबसे ज्यादा कमेंट, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसी कंपनी के ऊपर। साथ ही अगर आप हमसे चाहते हैं डेली अपडेट्स, जानना चाहते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। इसकी आईडी अब आपकी स्क्रीन के सामने है। तो कैसा लगा आपको महिंद्रा हॉलीडेज के बिजनेस मॉडल के बारे में जान के, ये जान के कि कैसे वो दूसरी कंपनियों से अलग है? अगर आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स पसंद आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कहीं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।